नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेलीकास्ट एफएक्स टैबलेट के बारे में। इसका कैसे प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, जिससे आपको अच्छे टैबलेट मिल सकें। इसकी कंपनी का नाम है लीपोर्ड नाम की कंपनी इसको बनाती है। बात कर लेते हैं इसका जो मेडिसिन होती है, इसमें किस मेडिसिन कंपोजिशन होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग है सूजन और एडमा के रात के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो टेलीकास्ट जो मेडिसिन है उसका सूजन एडमा के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई अन सिम्टम दिखते हैं, जैसे एलर्जी के कोई और सिम्टम दिख रहे हैं, तो उसमें भी डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी मेडिसिन का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर सलाह लें, या आपकी नाक बंद है या नाक बह रही है उसके लिए भी इसका डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं। तो रनी नोज और स्टूपी नोज यही समस्याएँ हैं, तो उसके लिए भी आप इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। या आँखों से आंसू आ रहे हैं, या आपको बार बार छींकें आ रही हैं, तो उसमें भी डॉक्टर लोग इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। तो आप अगर एलर्जी जैसी कोई भी समस्या है तो उसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं, कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं वो अगर आपको दिख रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, और डॉक्टर की सलाह लेकर ही मेडिसिन को लेना चाहिए। तो कॉमन साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं, क्या कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कॉमन साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे वॉमिटिंग होना या आपको इरिटिंग होना, इन समस्याएँ वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, वॉमिटिंग, स्किन रैशेज होना, स्किन पर फुंसी टाइप होना, या फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं, या हेडेक होती है, तो इन ये सभी इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो इन साइड इफेक्ट आपको दिखते हैं तो आप डॉक्टर को अवश्य बताएं। ये लेकिन ये स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त होने हो जाते हैं, और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा जा सकता है, देखा जाता है। अगर ये साइड इफेक्ट आपको समाप्त नहीं होते हैं समय के साथ, तो आप डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो ये टेलीकास्ट टैबलेट के बारे में जानकारी थी। तो इसका जो मुख्य उपयोग होता है वो एलर्जिक लक्षण के लिए किया जाता है। नाक बंद या आँखों से आंसू आना या जुकाम होना, ऐसी समस्याओं में इसका प्रयोग किया जाता है। बार बार छींकें आती हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर इसकी जो डोज की बात करते हैं, डोज डॉक्टर की सलाह पर ही लेना है। या कोई अन मेडिसिन आप खा रहे हैं, कोई किडनी लीवर या कोई अन प्रॉब्लम है आपको, उसकी मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर को अवश्य बताएं, उसके बाद ही इस मेडिसिन को लें। ये थी टेलीकास्ट जाने के बारे में जानकारी।